मौजूदा समय में बाल झड़ना, गंजापन और बालों का पतला होना एक बड़ी समस्या बन गई है। कम उम्र में भी लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। बाल झड़ने के कारण कुछ लोग हीन भावना का भी शिकार होने लगते हैं। जहां पहले 30 वर्ष के बाद बाल गिरने की समस्या से लोग परेशान होते थे, वहीं अब 20 वर्ष की उम्र से ही बाल गिरने की समस्या होने लगी है। जानते हैं बाल झड़ने के क्या कारण हैं? जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक्स एक प्रमुख कारण है। अगर किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बाल झड़ रहे हैं तो आशंका रहती है कि बढ़ती उम्र में बच्चे के भी बाल कम होने लगेंगे। हार्मोन में बदलाव। कई बार पुरुषों में हार्मोन में हुई गड़बड़ी की वजह से बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। वहीं महिलाओं में मासिक धर्म, गर्भावस्था और थायराइड की बीमारी के कारण बाल झड़ने लगते हैं। डिप्रेशन। आज के समय में लोगों में मानसिक तनाव और चिंता बढ़ रही है, ये भी बाल झड़ने की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। युवाओं में ये समस्या ज्यादा देखी जा रही है। इस स्थिति को एलोजेनिक एफ्लुवियम कहा जाता है। खराब खानपान और पोषण की कमी। जिन लोगों का खानपान खराब होता है, डाइट में आयरन, बायोटिन, विटामिन डी की कमी होती है, तो उनको भी बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। कई मामलों में देखा भी जाता है कि शरीर में पोषण की कमी बाल झड़ने का कारण बन रही है। प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद बाल झड़ना आम बात है। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे असल में बालों को फायदा हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद इसका लेवल घटने लगता है, जिसके कारण बाल झड़ने लगते हैं। जब हार्मोनल इंबैलेंस सही हो जाता है तो बालों का झड़ना रुक भी जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद भी बालों की सही देखभाल बहुत जरूरी है। थायराइड। थायराइड इंबैलेंस से बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। ये बालों के स्ट्रक्चर को भी प्रभावित कर सकता है। थायराइड इंबैलेंस होने पर डॉक्टर से जल्दी मिलें और इसका इलाज कराएं। थायराइड के सही ट्रीटमेंट से बालों का झड़ना रुक जाएगा। बालों को टाइट बांधना। यदि आप बालों को पीछे की ओर कसकर पोनीटेल बनाती हैं तो ऐसा करने से बचें। टाइट बांधने से बालों का काफी नुकसान होता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं, खासकर हेयर लाइन पर। यदि आपको बालों को बांधना ही है तो ढीला बांधें। बालों पर रबर बैंड लगाने से बचें, इससे भी बाल टूटते हैं। तो आइए अब जानते हैं बाल झड़ने के संकेत। बालों का कमजोर पतला होना। सिर के बालों का जगह जगह से झड़ना। कंघी करते या बाल धोते समय मुट्ठी भर बाल निकलना। अब जान लेते हैं दुनिया के सबसे मशहूर हकीमों में से एक, हकीम सुलेमान खान साहब से, बाल झड़ने की समस्या में आप क्या उपचार अपना सकते हैं। आप बहुत कम शैम्पू किया करें, और अगर बालों को ये चाहते हैं कि हमेशा हमेशा रहें, ग्रोथ रहे, लंबे रहें, टूटना बंद हो, तो शैम्पू का कम इस्तेमाल करें। और गौन मोरिंगा सफ़ेद, असली गौन मोरिंगा सफ़ेद लें और इसको पाउडर बना लें। ये रॉ मटेरियल है। और अलसी, आप जानते हैं अलसी तो सभी ख़वातीन जानती हैं, महिलाएं, तो अलसी को ख़रीद कर थोड़ा सा 100-200 ग्राम साफ़ करें, पत्थर बहुत मिला देते हैं, फिर हल्का सा भून कर रखें। आधा चम्मच अलसी और 1 ग्राम गौन मोरिंगा। अगर आप कमज़ोर से हैं तो दूध के साथ लें, और आप रईस हैं तो नारियल पानी के साथ लें, और आप मेरी तरह गरीब हैं तो पानी के साथ पूरे दिन में एक बार इस्तेमाल किया करें। बाल ऐसे कि आपको पसंद आ जाएं होना मुमकिन है।